Hello guys, welcome back to another daily MPPSC MCQ part number 22nd presented by me Aditya Dubey. In this lesson, we will look forward to some important MCQ pertaining to current affair followed by some static GK. सबसे पहला क्वेश्चन है कि अनुषा कुतुम्बाले का संबंध इनमें से किस खेल से है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे एमपीपीएससी में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एक हर साल। हमें हमेशा एक स्पोर्ट्स पर्सन दे दिया जाता है और उससे एसोसिएटेड हमसे गेम पूछा जा सकता है या तो उनका डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर अगर पूछा जाए कि अनुषा कुतुम्बाले का संबंध इनमें से किस खेल से है, तो वो है ऑप्शन सी, दैट इज टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से संबंध है अनुषा कुतुम्बाले का। अब मैं इसके बारे में द हिंदू का आपको आर्टिकल का स्नैपशॉट दिखाना चाहूंगा जो आप इस वेबसाइट में जाके रीड कर सकते हैं। तो ये अभी हाल ही में 11th स्पोर्ट्स सेंट्रल जोन नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें अनुषा कुतुम्बाले जी ने टॉप किया, मींस फर्स्ट रैंक हासिल किया और जीती इस टूर्नामेंट को। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध किस जिले से है, तो ये है इंदौर से। ओके, इंदौर से इनका संबंध है, इंदौर जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भी फर्स्ट रैंक हासिल किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए कि इनमें से किस बैंक ने रिसेंटली साउथ ईस्ट एशिया की सबसे पहला सेंटर ओपन किया क्लाइमेट चेंज के लिए, विच बैंक लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, तो ये बैंक है नाबार्ड, ऑप्शन ए नाबार्ड। नाबार्ड का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे नाबार्ड के एसोसिएटेड फैक्ट के बारे में पूछा जाए कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया का पहला सेंटर क्लाइमेट चेंज जो खोला गया है वो कहाँ पे ओपन किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा, ये लखनऊ में ओपन किया गया है। ओके, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। अब नाबार्ड के जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बात कर लेते हैं कि नाबार्ड की फाउंडेशन कब हुई, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नाबार्ड की फाउंडेशन डेट है 12th of July 1982, याद रखिएगा ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th of July 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि नाबार्ड के जो करंट चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है HKB, दैट इज हर्ष कुमार भानवाला। याद रखिएगा नाबार्ड के करंट चेयरमैन है मिस्टर हर्ष कुमार भानवाला और नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट डेट है 12th of July 1982। अब हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड ने साउथ ईस्ट एशिया का पहला सेंटर जो क्लाइमेट चेंज का ओपन किया गया है वो कहां पे किया गया, तो वो है लखनऊ, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट्स की जो एसोसिएटेड है स्लाइड में। तो सबसे पहला फैक्ट एक और जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो SBI की जो एस्टैब्लिशमेंट डेट है वो है 1st of July 1955, याद रखिएगा 1st of July 1955 इज द एस्टैब्लिशमेंट डेट फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब SBI के जो करंट चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है मिस्टर रजनीश कुमार, याद रखिएगा मिस्टर रजनीश कुमार इज द करंट चेयरमैन ऑफ SBI। SBI का पुराना नाम भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, काफी बार पूछा गया है। तो SBI को पहले इंपेरियल बैंक नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की जो दिया हुआ है, यस बैंक। तो यस बैंक के बारे में ज्यादा कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि यस बैंक के करंट चेयरमैन कौन है, तो वो है अशोक चावला। ओके, अशोक चावला इज द करंट चेयरमैन ऑफ यस बैंक। और ज्यादा से ज्यादा इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर जमाने को आएगा, तो ये है इसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट, याद रखिएगा 2004 को एस्टैब्लिश हुआ है यस बैंक। अब ICICI की अगर बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। ICICI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ICICI की स्थापना कब हुई ये भी आप याद रखिएगा, इट वॉज फाउंडेड इन 1994 को ICICI बैंक की स्थापना की गई। और अभी जो वर्तमान में ICICI के जो चेयरमैन हैं वो हैं चंदा कोचर, याद रखिएगा चंदा कोचर इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक। ओके, तो ये कुछ फैक्ट हैं हमें याद रखना है जो इस फैक्ट से एसोसिएट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ बिम्स्टेक समिट कहाँ पे आयोजित की जाएगी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल में बिम्स्टेक की फोर्थ समिट ऑर्गेनाइज की जाएगी और ये ऑर्गेनाइज की जाएगी अगस्त 2018 को, ये काफी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। अब बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, याद रखिएगा
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब बिम्स्टेक एक सब रीजनल ग्रुप है जो कि कंप्राइज करता है 7 कंट्रीज को। अब याद रखिएगा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। याद रखिएगा 7 मेंबर का ग्रुप है और लास्ट में जो ईयर रहेगा उसमें 7 जरूर आएगा। तो इसका ईयर आपसे पूछा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये है 1997। 1997 को बिम्स्टेक फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ये है ढाका, जो कि कैपिटल है कहाँ की, बांग्लादेश की। ओके, ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, 1997। इसके मेंबर कितने हैं, 7। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो 8th BRICS हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग होगी वो कहाँ पे आयोजित की गई। याद रखिएगा, 8th BRICS हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई है डर्बन, जो कि है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के डर्बन शहर में ब्रिक्स की हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, और इंडिया की तरफ से काउंटर पार्ट थे मिस्टर जेपी नड्डा। ओके, जेपी नड्डा वॉज द इंडियन काउंटर पार्ट फॉर दिस हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग। अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग दूसरे फैक्ट की। तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, ये होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई है वो 2006 को हुई है, लेकिन वो पहले ब्रिक्स के नाम से नहीं जाना जाता था। वो सिर्फ 4 मेंबर कंट्री का ग्रुप था जो कि कहलाता था ब्रिक, जो कि जिसमें शामिल थे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ, तो वो हुआ था 2010 में, और तब ब्रिक बना ब्रिक्स। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। अब जेपी नड्डा जी की बात आई है, तो ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, और इनका एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इस मीटिंग में किया गया था कि इंडिया जो है वो काफी ज्यादा सीरियस है एलिमिनेशन ऑफ टीबी प्रोग्राम, ट्यूबरक्लोसिस का एलिमिनेशन करना है इंडिया को। अब ये टारगेट भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया को टीबी कब तक एलिमिनेट करना है, या इंडिया ने टारगेट टीबी एलिमिनेशन का कब का रखा है, तो ये है 2025। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार कब लाया गया था। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में कब लाया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1963। 1963 में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया था। अब ये जो पेश किया गया था, ये 3rd लोकसभा का टेन्योर था। ओके, और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे भारत के, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, पंडित जेएल नेहरू थे उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार लाया किसके द्वारा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है मिस्टर आचार्य, मीन्स आचार्य जेबी कृपलानी। ओके, AJBK, आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि 3rd लोकसभा का टेन्योर था, और ईयर याद रखिएगा 1963 में पहली बार लाया गया था। अब ये मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि रिसेंटली तेलुगु देशम पार्टी जो है उनके द्वारा, मीन्स TDP पार्टी के द्वारा, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पेश किया गया है एनडीए के खिलाफ, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इससे रिगार्डिंग जो रिसेंटली करंट अफेयर है उसके रिगार्डिंग इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस बार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रपोज किया गया था, तो वो कौन से नंबर का नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो वो है 27th नंबर का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपको इसके बारे में आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि TDP की स्थापना कब हुई और किसने की। ओके, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की। इसके अलावा आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ओके, जो लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनका नाम क्या है। ओके, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू लाइक इट। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। इसमें मैं अपने चैनल की अपडेट और साथ ही साथ जो अन्य जो मेरे चैनल से रिगार्डिंग अपडेट्स होती हैं वो मैं पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/AdityaDubeMPPSC, या आप मुझे ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर की लिंक है twitter.com/AdityaCyberAditya। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, गुड लक।